स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर साइंस का चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये बहुत गजब वीडियो होने वाली है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पल्स रेट और हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो हमारा पहला टॉपिक है पल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे आप अपनी प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। जैसे ये है ना, इधर ऐसे रख के देखो तो आपको ना थोड़ी देर बाद ऐसे थोड़ी सी मूवमेंट वो होगी फील। तो यू फील सम थ्रॉबिंग मूवमेंट्स, दिस थ्रॉबिंग इज कॉल्ड पल्स। तो ये मूवमेंट होती है, इसको हम कहते हैं पल्स। तो विच इज़ ड्यू टू द ब्लड रशिंग थ्रू द आर्टरी। तो ये इधर हमारी आर्टरी है, तो जो अच्छा खून है तो जो हमारे हार्ट से आया अच्छा खून और वो ऐसे पूरी आर्टरी में जा रहा है तो पंप होता है इधर, तो इधर भी वो ऐसे फ्लो करता है और ऑर्गन्स तक जाता है। तो ये थ्रॉबिंग मूवमेंट को हम कहते हैं पल्स। और ये क्यों होता है, जो हमारा ब्लड रश कर रहा है हमारी आर्टरी में उसकी मूवमेंट को हम ऐसे फील करते हैं। पल्स इज़ अ रेगुलर जर्क ऑफ एन आर्टरी। तो जो पल्स होता है वो एक रेगुलर जर्क होता है, हर एक सेकेंड में या फिर वो एक टाइम लिमिट होती है उसमें वो ऐसे थ्रॉब करता है। और नॉर्मली एक बंदे की 72 पल्सेस होती है एक मिनट में। तो जैसे हम फिर कर सकते हैं 72/60 एक सेकंड में होगी हमारी, तो 1 तो हो ही जाती है एक सेकंड में हमारी ऐसे पल्स रेट। तो इसको इस थ्रॉबिंग मूवमेंट को नंबर ऑफ पल्सेस पर मिनट इज कॉल्ड। दिस नंबर ऑफ पल्सेस, ये जो ऐसे ऐसे मूवमेंट होती है थ्रॉब जो आप फील करोगे, इसको हम कहते हैं पल्स रेट। तो रेस्टिंग मैन यूजुअली हैज़ अ पल्स रेट ऑफ 72 पल्सेस पर मिनट। तो एक आदमी जो बैठा है उसका नॉर्मली पल्स रेट होता है 72 पल्सेस पर मिनट। और द पल्स कैन बी फेल्ट एट वेरियस पॉइंट ऑफ बॉडी। जैसे आप फिगर में देख सकते हो, एक हम रिस्ट पे भी बहुत जगह पर कर सकते हैं, एक रिस्ट पर भी आप फील कर सकते हो इसको, ऐसे इधर नेक के पास भी आप करके देख सकते हो। तो हम सच एज स्किन दम द पल्स कैन बी फेल्ट वेरियस पॉइंट्स ऑन द बॉडी वेयर द आर्टरीज आर जस्ट अंडर द स्किन सच एज द टेम्पल्स नेक द ओवर कार्टोइड आर्टरी। ये तो हमने देख ही लिया नेक में इधर, और क्रूक ऑफ द एल्बो इधर, रिस्ट, बैक ऑफ द नी, नी के भी बैक में एंड इनसाइड बैक ऑफ एंकल, जो हमारी एंकल होती है उसके इनसाइड दूसरी साइड पर हम अगर फील करेंगे तो बहुत जगह पर हम फील कर सकते हैं। अब जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, हर्ट। हम देखेंगे हर्ट क्या होता है। आपको सबको पता होगा हर्ट एक ऐसे मस्कुलर ऑर्गन है, आप सब ने ड्रॉ भी करा होगा, लेकिन हम आज हर्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड भी देखेंगे। तो जो हमारा नोटिफिकेशन बेल है उसको जल्दी से दबा देना ताकि आप हमारी अगली वीडियो भी मिस ना कर पाओ। तो हर्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, मसल से बना होता है पूरा हर्ट। और मेन काम जो जितना भी धक धक करता है हमारा हार्ट, जितनी भी हार्ट बीट होती है वो सारी हमारी मसल्स पर ही डिपेंडेंट है जो हमारी हार्ट में है। और लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी, इधर लेफ्ट साइड में थोड़ा होता है हर्ट लोकेटेड होता है लंग्स के साइड में। तो और ये जो होता है हमारे रिब केज है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, उस उधर ही आते हैं लंग्स के। आप बीच में देखोगे तो हर्ट ऐसे होते हैं, तो विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। जो उसकी लोअर टिप होती है वो स्लाइटली टिल्टेड होती है लेफ्ट की तरफ। इट्स मेन फंक्शन इज टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो सारी जगह पर हमको ब्लड पहुँचाना है, तो मेन फंक्शन हार्ट का यही होता है पूरी बॉडी में हार्ट ब्लड को पंप करना। जैसे अब उसको हार्ट को लंग की तरफ भी लेके जाना, हर आर्टरी या वेंस में जो वो होता है वो हार्ट बीट की वजह से होता है जो हार्ट पंप करता है ब्लड। तो ये भी आप ध्यान में रखना, योर हार्ट इज़ अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ योर फिस्ट। इतनी जो हमारी ये मुट्ठी है, मुट्ठी जितना हार्ट होता है, वैसे आपको लगता हो बहुत बड़ा हार्ट होता है लेकिन नहीं, हार्ट बहुत छोटा होता है। और देखो कितना छोटा हो के बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे लिए और बहुत कितना काम करता है, मतलब पूरे आप सो रहे हो तब भी वो हार्ट भी हार्ट को ऐसे करते हैं। ये नहीं है कि जब आप सो रहे हो तो आपको ब्लड की ज़रूरत नहीं है, ऑर्गन्स को चाहिए होती है ज़रूरत ब्लड की, तो पूरे टाइम ये हार्ट बीट होती रहती है, मतलब धड़कता रहता है दिल। लेकिन ये होता है कि हाँ जब आप जब कोई एक्सरसाइज कर रहे हो तब आप
तो आपकी जो हार्ट बीट होती है वो तेज हो जाती है, क्योंकि आपको ज़्यादा ब्लड चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है ऑर्गन्स को रेस्पिरेशन करने के लिए, ताकि एनर्जी रिलीज हो पाए, तो तब वो हार्ट बीट तेज हो जाती है, और जब आप सोते हो तो वो कम हो जाती है। लेकिन पूरे टाइम हार्ट क्या कहते हैं, धड़कता रहता है। हार्ट इज डिवाइडेड इंटू, हाँ, हार्ट जो होता है हमारा वो फोर चैम्बर्स होता है। अभी आप एक डायग्राम देखोगे, उसमें आप ध्यान से देखना, और वो दो जो दो चैम्बर्स होते हैं, दो चैम्बर जो हमारे, वैसे जो हार्ट को हम लेते हैं, इस साइड हमारा राइट और इस साइड हमारा लेफ्ट, क्योंकि हम इस दूसरी तरीके से उसको देखते हैं। तो जो हमारे राइट वाले दो होते हैं ऑर्गन्स, उसके अंदर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो हमारे लेफ्ट साइड वाले ऑर्गन्स होते हैं उसमें हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो अब इसको मैं जूम इन कर देता हूँ, इस फिगर को। तो ब्लड रिमेन सेपरेट एंड डू नॉट मिक्स। हाँ, तो जो ये हमारे दो, ये आप एक बार पहले ये डायग्राम देखो, बहुत मस्त डायग्राम है ये। इसमें देखो कि जो, देखो ये एक हमारा है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इधर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो हमारा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ये बात तो होगी, अब क्या कहते हैं, अब हम इसको पढ़ेंगे कि, हाँ, ये मैं बताना चाहता था कि ये जो हमारे दो है ना, राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर, इसको एक मस्कुलर सेप्टम, ये आप डायग्राम में भी देखो, इधर एक मस्कुलर सेप्टम मेंशनड है, ये इसको सेपरेट करके रखते हैं। तो द टू अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया। ये जो हमारे दो ऊपर वाले हो गए, ये हो गए हमारे एट्रिया, सिंगुलर एट्रियम, प्लूरल एट्रिया हो गए, और सिंगुलर हम एट्रियम कहते हैं, या फिर इसको ओरिकल्स भी कह सकते हैं। एंड द लोअर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। और ये जो, ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो वेंट्रिकल्स हैव कंपेरेटिवली थिकर मस्कुलर वॉल्स देन एट्रिया। तो जो वेंट्रिकल होते हैं उनकी ज़्यादा थिक वॉल्स होती है, क्योंकि इधर वो स्टोर होता है, और इधर से वो, जैसे हमको कहीं पर भेजना है तो वो पहले इधर टेम्परेरीली इसमें आया राइट एट्रियम में, फिर वो वॉल्व के थ्रू उसमें हमारे राइट वेंट्रिकल में गया, और फिर उसको कहीं और पंप कर दिया जाता है। तो इनकी ज़्यादा थिक वॉल होती है। तो वी वेंट्रिकल्स हैव कंपेरेटिवली थिक मस्कुलर वॉल्स देन एट्रिया। द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड ऑफ द हार्ट आर कंप्लीटली सेपरेटेड ईच अदर बाय सेप्टम। और ये जो होते हैं, इसमें हम मिक्स भी ना हो पाए तो ये अलग अलग चैम्बर्स होते हैं। जैसे अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया ऑर्गन से, अब उसको हमको मिक्स थोड़ा कराना है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे पास लंग से, उस वो अगर मिक्स हो जाएंगे तो फिर क्या हो गया, वो तो दोनों मिक्स ही हो गया, अब तो ऐसे सेपरेट थोड़ा कर सकते हम। तो इसलिए ये सेपरेट ना हो पाए, ये अलग अलग चैम्बर्स इसलिए फॉर्म्ड होते हैं, और ये जो हमारे दो चैम्बर्स हैं ये सेप्टम के थ्रू सेपरेटेड होते हैं, विच प्रिवेंट्स मैक्स, ये जो हमारा मस्कुलर सेप्टम है ये प्रिवेंट करता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स करने में। और जो हमारे क्या कहते हैं, अब ये राइट साइड पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होते हैं, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड ऑफ द हार्ट आर कंप्लीटली सेपरेटेड ईच अदर बाय अ सेप्टम विच प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड ऑफ द हार्ट रिस्पेक्टिवली। तो द हार्ट एज अ नंबर ऑफ वॉल्स। तो जैसे हमने पिछले सेशन में भी देखा था कि जो हमारा वेन्स थी, वेन्स के अंदर भी वॉल्व थी ताकि वो बैक फ्लो ना कर पाए ब्लड, इसी दौरान जो हमारे एक ही साइड में हमको उसको फ्लो करने देना है, तो हार्ट में भी बहुत तरह की वॉल्व होती हैं, ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व, फिर उसके बाद मिट्रल वॉल्व। तो ये सारा हम, जैसे ये है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, मैं इसको आपको एक और नई वीडियो में हर ईच चैप्टर की आपको मैं इंपॉर्टेंट नोट्स बताऊंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसे बहुत सारे एग्जाम्स के लिए। तो आप इस चैनल को देखते रहना, हमारे चैनल को, बहुत अमेजिंग अमेजिंग वीडियोज़, और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी आपको कोई क्वेरी रहे तो हमको कमेंट बॉक्स में बता देना। तो हार्ट हैज़ अ नंबर ऑफ वॉल्व दैट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू एट्रिया। एक बार वेंट्रिकल में आ गया फिर उसको एट्रिया में वापस नहीं भेजना, क्योंकि वहाँ से उसको हमको क्या कहते हैं, पंप कर देना है। तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए हमारे पास वो होते हैं। अब हम थोड़ा पढ़ेंगे एट्रिया मतलब कि ओरिकल्स या फिर और वेंट्रिकल्स के बारे में। तो एट्रिया आर द रिसीविंग चैम्बर्स ऑफ द हार्ट।
तो और ये जो जैसे ऑर्गन से ब्लड आया, ये इधर हमेशा रिसीव होता है, लंग से रिसीव होगा या फिर ऑर्गन से रिसीव होगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि डैश आर द रिसीविंग चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, तो इसको आप में आपको लिखना है इसमें कि एट्री आर द रिसीविंग चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, देयर वॉल्स आर थिनर। हाँ, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो वेंट्रिकल होते हैं उनके वॉल्स थिक होती है और जो एट्रिया होती है उसकी वॉल थिन होती है, एंड दोज ऑफ देन दोज ऑफ वेंट्रिकल्स। द राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, वाइल द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। तो जो हमारा राइट एट्रियम है वो अच्छा सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा बॉडी ऑर्गन से, और जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है वो लेगा अच्छा खून लंग्स से। ठीक है, अब वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स आर द डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये पंप कर देंगे उस साइड और फिर वो वेन्स के थ्रू या फिर आर्टरी के थ्रू वो चल जाएगा। तो द राइट वेंट्रिकल रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम एंड पंप्स इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। द लेफ्ट वेंट्रिकल इज द लार्जेस्ट हार्ट चैम्बर एंड द थिकेस्ट हैव द थिकेस्ट वॉल्व। तो इनकी वॉल्स बहुत थिक होती है, और जो जैसे हमारे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और वो फिर उसको पंप कर देगा लंग के थ्रू, तो ये ऐसे पंप ही करेगा, जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं ये पंप करेंगे ब्लड को ऑक्सीजनेशन के लिए, वो उसको पंप कर देगा लंग्स के थ्रू और फिर वो उसको क्या कहते हैं हमारी पल्मोनरी आर्टरी है वो ले जाएगी। और तो द लेफ्ट वेंट्रिकल इज द लार्जेस्ट हर्ट चैम्बर, ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना कि ये होता है लार्जेस्ट ब्लड चैम्बर। तो कभी भी आपसे पूछे कि जो लार्जेस्ट ब्लड चैम्बर कौन सा है, तो वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है उसको लेफ्ट एट्रियम से और उसको वो पंप कर देता है बॉडी पार्ट्स में, आर्टरीज ले जाती हैं उनको क्या कहते हैं पंप बॉडी पार्ट्स में देने के लिए। तो गाइस, होप करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी रहे तो मैं वापस से बोलता हूँ, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।